अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ एडाफोसोरस। और हाँ भाई, मज़ा आ रहा है? हेलो, नहीं आ रहा? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी बेहतरीन जगह पे तुम मौजूद हो, तुम कह रहे हो तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है मज़ा? अब आ रहा है, इसको आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, सोशल मीडिया रिपोर्टर के साथ मैं हूं अहसन उमर और एक और नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जहां आपने देखा है कि हमारी कोशिश होती है कि आपको पाकिस्तान का, ख़ास तौर पर कराची का खूबसूरत चेहरा दिखाया जाए, वहीं पर हम ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि जो जो नई जगहें हैं और जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए और जो हमारे व्यूवर्स हैं उन तक उस बात को पहुंचाया जाए, उन्हें वो जगह दिखाई जाए ताकि वो भी जाकर अपनी फैमिलीज़ के साथ या ख़ुद उस जगह को विज़िट कर सकें और खूबसूरत कराची से वाकिफ़ हो सकें। तो हमारा कराची इतना भी बुरा नहीं है जितना उसको दिखाया जाता है, जितना आप उसके बारे में पढ़ते हैं, जितना न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह उसके बारे में देख रहे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अच्छी जगहें भी हैं यहाँ पर, खूबसूरत जगहें भी हैं यहाँ पर। बहरहाल शहर तो खुद बजाते खुद खूबसूरत है, लोग भी यहाँ के खूबसूरत हैं। तो खैर, बजाय इधर उधर की बात करने के मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, मुद्दे पर आने से पहले एक चीज़ और, वीडियो के आखिर में एक बोनस टिप है आप लोगों के लिए, वो क्या है वो तो आखिर में ही पता चलेगी, लेकिन पहले थोड़ा शुरू की बात कर लेते हैं। तो भाई, जो लोग लंदन जा चुके हैं और लंदन में उन्होंने हाइड पार्क का नाम सुना है या उसको देखा है, तो मैं आपको बताऊं कि कराची के अंदर हमने कोई हाइड पार्क जैसी मिलती जुलती तस्वीर वाली जो जगह है वो एक्सप्लोर कर ली है, और वो क्या है वो अब आपको दिखाएँगे। लेकिन उसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो लोग हैं और ये व्लॉग देख रहे हैं, या वो लोग जो इस्लामाबाद नहीं जा सके और वहाँ लेक व्यू पार्क का उन्होंने नाम सुना है, तो अब उन्हें इस्लामाबाद लेक व्यू पार्क जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कराची में भी लेक व्यू पार्क की टक्कर का एक पार्क मौजूद है। आपने सफारी पार्क देखा होगा, आपने अस्करी पार्क देखा होगा, आपने अलादीन पार्क देखा होगा, या आपने DHA के मुख्तलिफ पार्क्स देखे होंगे, वैसे गिने चुने पार्क्स हैं कराची में, लेकिन आपने एक पार्क अभी नहीं देखा होगा, वही पार्क आपको दिखाने लगे हैं। अब तैयार हो जाइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीर पार्क में। आज सोशल मीडिया रिपोर्टर आपको जहांगीर पार्क की सैर करवाएगा। जहांगीर पार्क की थोड़ी सी लोकेशन मैं आपको बता दूं, सदर में अगर आपने ये मोबाइल मार्केट देखी है, सदर की जो मेन मोबाइल मार्केट है, मोबाइल मार्केट से अगर आपने सीधा वो जो मेन रोड आ रही है वो सीधी अगर आपने वो रोड पकड़ी है तो वो आपको सीधा लेकर आएगा जहांगीर पार्क की तरफ। मोबाइल मार्केट वाली सीधी रोड, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट पर आपको जहांगीर पार्क मिलेगा। जहांगीर पार्क अभी पूरा रेनोवेट हुआ है, पूरा नए सिरे से बना है, और यहाँ अंदर जो जो अट्रैक्शंस दी गई हैं वो काबिले तारीफ़ हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये बड़ा ख़तरनाक है, मैं दिखाता हूँ क्या, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं कराची के किसी ऐसे पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो आइए आपको दिखाते जाते हैं, आप लोग इन्जॉय कीजिए। के लिए जिन्होंने आज तक डायनासोर के अंडे नहीं देखे थे, तो भाई ये रहे डायनासोर के अंडे। मेरे ख्याल से डायनासोर के बच्चे तो निकल के भाग गए इसमें। जिन लोगों को थोड़ा सा डायनासोर्स वगैरह में इंटरेस्ट है या जिन्होंने जुरासिक पार्क देखी है, वो यहाँ पर आके लाइव डायनासोर्स को देख सकते हैं। देखें, ये यहाँ पर डायनासोर्स हैं, और मज़े की बात ये लोग मूव भी कर रहे हैं, देखें ये, और ये नहीं समझिएगा इनमें सेल लगा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है यार सेल कैसे इसको मूव कर सकता है। तो ये देखें, आवाज़ भी आ रही है। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ डायनासोर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ख़ास बात ये भी है, ये देखें ये रहा। अच्छा, इनके साथ इनका इनकी जो इन्फो है वो भी मौजूद है। अब ओमीसोरस करके इसका कोई नाम है, और इज अ जेनस ऑफ सोरोवो डायनासोर फ्रॉम द मिडिल जुरासिक। बहरहाल पूरी डिटेल इसकी मौजूद है, तो ये आप में से जो आया वो यहाँ पे पढ़ सकता है, मैं आपको और दिखा रहा था। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो बड़ा सा आपको पिंजरा सा जो जाल नज़र आ रहा है, केज सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर खूबसूरत बर्ड्स हैं। ये ठीक उसी की मुशाबियत रखता है जो इस्लामाबाद लेक व्यू पार्क में मौजूद है,
अभी आपको अंदर भी कोशिश करते हैं नज़ारा दिखाने की। अच्छा खैर, ये एक और टायरा सॉसरस करके कुछ नाम है इसका, ये यहाँ पर मौजूद है भाई। अच्छा जी, तो ये उस केज से अंदर का नज़ारा है जो मैं आपको बता रहा था, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ परिंदे मौजूद हैं, पिजन्स हैं, यहाँ पर डक्स हैं, यहाँ पर ये बगले भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और मुख्तलिफ़ तरीके। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आम आवाम के लिए इस जगह को एक्सेसिबल बनाना चाहिए, जैसे कि इस्लामाबाद में बना हुआ है, वहाँ अंदर भी जा सकते हैं, गो कि उसका अलहदा से टिकट रखा गया, लेकिन आप कम अज़ कम अंदर जाके एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मसला क्या आएगा, आपने इस केज की जो है वो फिर सफाई करनी है ताकि लोगों के लिए विजिबल हो और उन्हें अंदर क्लैरिटी के साथ ही जगह नज़र आए। तो वैसे बुरा नहीं है, लेकिन इतना विजिबल नहीं है, पता नहीं चल पा रहा है कि अंदर कौन कौन से परिंदे मौजूद हैं, अंदर मोर भी हैं अंदर, और क्या क्या है, और फिर लोग यहाँ ठहरेंगे भी नहीं, लोग आगे मूव कर। जहांगीर पार्क की एंट्रेंस यहाँ से, और बाहर पार्किंग का भी वैसे इंतज़ाम है, चार्ज पार्किंग है बाहर, तो आप अपने व्हीकल्स को पार्क करने के बाद यहाँ से एंटर होने के साथ साथ ये आपको वो केज नज़र आएगा, और राइट साइड पर ये बच्चों का छोटा सा प्ले लैंड एरिया भी बनाया हुआ है, यहाँ पर मुख्तलिफ स्विंग्स झूले मौजूद हैं और ये बच्चे आपको झूलते हुए नज़र भी। नमाज का एरिया भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए अलग अलग नमाज की जगह जो है वो मौजूद है। अब जो जगह मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो बड़ा शासो नादरी कहीं पर नज़र आती है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो मुताले के शौकीन हैं, रीडर हैं, और जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, और वो चाहते हैं इस तरह की पुरसकून जगह पर आके जहाँ पर ग्रीनरी मौजूद हो, आसपास उनके पुरफ़ा मकाम हो, वहाँ पर बैठकर कोई किताब का मुताला कर सकें, और अगर किताबें उनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर उन्हें वो किताब भी मिल सकती है। जगह का हाल थोड़ा सा अजीब हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो जगह मौजूद है, आइए दिखाते हैं जी। तो लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है भाई, रोटरी, दिस लाइब्रेरी इज़ सपोर्टेड बाई रोटरी पाकिस्तान लिटरेसी मिशन, तो ये बुक्स एंड कॉफ़ी करके इसका नाम है। अंदर ये जगह भी मौजूद है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये मुझे बंद लग रही है, इसकी टाइमिंग्स होंगी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल अंदर बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बनाया हुआ है, जिस तरह चेयर्स लगाई हुई हैं और जिस तरह किताबें, और भाई फुल एयर कंडीशन लाइब्रेरी है। तो ओके जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसीटीवी कंट्रोल रूम में, और ये देख के भी अगेन हैरानी होती है कि यहाँ पर बेहतरीन किस्म का वेल इक्विप्ड जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर जहांगीर भाई मौजूद हैं, और मेरी अभी इनसे मुलाकात हुई है, और उसके साथ साथ नासिर भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो पीछे बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, और मुझे और यहाँ पर पता चल गया, मैं तो अपने तौर पे ऐसे ही रैंडमली एक ब्लॉग बना रहा था, लेकिन यहाँ पर इनसे मुलाकात होने के बाद मुझे पता चला कि अभी तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जो इन प्रोसेस हैं, बनने जा रही हैं, पूरा फूड स्ट्रीट यहाँ पर बनने जा रहा है बेहतरीन किस्म का, और एक एम्फी थिएटर है, अभी आपको वहाँ के मनासिर दिखाएंगे, एम्फी थिएटर में यहाँ पर इन फ्यूचर बड़े अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह भी वो करेंगे। लाइब्रेरी के भी मैंने आपको झलकी दिखाई, लाइब्रेरी आप लोगों ने देखा, तो लाइब्रेरियन करीब उसकी बकायदा ओपनिंग है, ओपनिंग तो है, अच्छा ओपनिंग हो चुकी है उसकी, लेकिन बस वो थोड़ा सा काम उसमें जो थोड़ा काम आपको बताया है, जी, उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत काम उसमें थोड़ा सा फर्निश उसको कर रहे हैं ताकि पब्लिकली वो एक्सेसिबल हो जाए, और ये ऐसा मेरा ख्याल है पहली दफा होगा किसी पार्क में लाइब्रेरी का होना। अच्छा जी, अब मेरे सामने ये जो आपको LCD लगी हुई नज़र आ रही है, यहाँ से पूरी इसकी जो कंट्रोलिंग है वो हो रही है CCTV कैमरास के थ्रू, और ये जो एरिया है वो मेन एंट्रेंस है जहाँ पर आपको गार्ड्स भी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं जी। अच्छा, ये जो एरिया है क्या कहलाएगा, ये आपको डायनासोर का कुछ। अच्छा ठीक है, ये वहाँ पर जो भी हमने आपको दिखाया था डायनासोर्स वगैरह मौजूद हैं, ये वो वहाँ से टॉप एक शॉट है, वहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ है वहाँ से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अच्छा जी, ये ज़रा आप देखें, ये तो मतलब अमेज हो जाने वाली बात है कि जिस तरह से यहाँ पर पूरा 360 डिग्री में वो रोटेट करता हुआ पूरा मॉनिटर इसको कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये वाला जो एरिया पर्टिकुलरली ये वो एम्फी थिएटर है जिसके अभी हम विजुअल्स आपको दिखाएंगे, और ये पूरा ओवरऑल मुख्तसरन ये कि सिक्योरिटी के हिसार में आप मौजूद हैं, आप जहाँ भी पार्क में मौजूद रहें। ओके जी, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ बेसिकली एम्फी थिएटर, बस अब आप देख लें, मतलब आज से पहले कहीं आपने इस तरह का एम्फी थिएटर कराची में देखा नहीं देखा, तो इन करीब आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, ये स्टेज एक बना बनाया मौजूद है, और वाह क्या जगह होगी बैठने की। मतलब इस वक्त फ़िलहाल इन्होंने आवाम को बंद किया हुआ है, क्योंकि मेरी जो अभी उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना ये था मैनेजमेंट का
कि यहाँ पर लोगों ने चढ़कर इसकी जो ग्रास है उसको ख़राब करना शुरू कर दिया था, बच्चे कलाबाजियाँ खा रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने फ़िलहाल इसको बंद कर दिया है। बात यह है कि यहाँ पर जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, जो घास यहाँ पर लगाई गई है वो बहुत खूबसूरत लगाई गई है, एक लेवल में है, कहीं से ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो मट्टी नज़र आ रही हो या कहीं पर जो है उसकी कटाई प्रॉपर ना हुई हो, प्रॉपर कटाई हुई हुई है, सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया है, जगह जगह एंड लिटरली जगह जगह डस्टबिन आपको नज़र आ रहे हैं। तो फिर दूसरा, यहाँ की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है, इसलिए जगह बहुत साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। चलें जी, अब आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए। और इस एरिया को कैसे भूल सकते हैं, ये बेहतरीन कैफेटेरिया यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पर ये गोल गप्पे, ये चाट, ये फ्रेंच फ्राइज, ये रोल, ये बारबेक्यू ढाबा, मटन रोल और बहुत कुछ है। अच्छा, एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ के वॉशरूम्स भी विज़िट किए हैं, आपको नहीं दिखा रहा रूंगरी, लेकिन क्या कमाल के वॉशरूम्स बने हैं यार, मतलब इतनी सफाई कमाल है। जी, तो ये जहांगीर पार्क का गाइड मैप भी लगा हुआ है उन लोगों के लिए जिन्हें यहाँ घूमने में दुश्वारी हो। तो एम्फी थिएटर हमने आपको दिखाया, बाकी पार्क का आपने देख लिया है, बिस्ट्रो यानी वो जो ढाबा बना है वो भी आपने देख लिया है, बर्ड्स एवरी भी आपने देख लिया है, एंट्रेंस देख चुके हैं आप, और लाइब्रेरी भी हमने आपको दिखा दिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया भी हमने आपको दिखा दिया है, मतलब इन शॉर्ट सब कुछ हमने आपको दिखा दिया। ओके, तो ये था जहांगीर पार्क का टूर और ये अपने अख्ताम को पहुंचा, हमने कोशिश की कि हर एंगल से आपको इसका रिव्यू दिखाएं। तो इन शॉर्ट मतलब मेरे पास इससे कंपैरिजन के लिए कुछ है नहीं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी से तो फिर इसमें शायद खामियां निकालूं या इसके जो लूप होल्स हैं वो हाईलाइट करूं, लेकिन इससे कंपैरिजन के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो अगर कोई पार्क होगा तो फिर हम इसके लूप होल्स भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए भाई बेस्ट जगह है, आइए अपनी फैमिली के साथ टाइम को एंजॉय कीजिए, सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखा गया है, एक अच्छे माहौल में, और वो गिचपिच नहीं है जिससे लोग घबराते हैं इस तरह के फैमिली पार्क्स में जाते हैं। और फैमिली पार्क याद रखिएगा, नो स्टैग्स आर अलाउड। और आखिर में बोनस टिप, तो बोनस टिप भाई ये है कि दिस पार्क इज़ एब्सोल्युटली फ्री जी, कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, आप बस आइए गाड़ी अपनी पार्क कीजिए और अंदर चले आइए सीधा, कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, ना प्ले एरिया में कहीं पर चार्जेस हैं, ना यहाँ पर कोई आपको उस तरह के जंपिंग कैसल वगैरह वो चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे बच्चों से वो टोकन्स वगैरह के जो गेम्स हैं उसके लिए चार्ज किया जाता है, कुछ भी नहीं है। कैफेटेरिया है, हाँ वहाँ ज़रूर आपको पे करना होगा, बाकी कुछ नहीं है। तो बाकी ये है कि अगला भी जो ब्लॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो क्या है वो आप गेस कर सकते हैं, कराची की ऐसी किसी ज़बरदस्त से मकाम पर आपको ले जाने वाले हैं, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। तो बहरहाल फिलहाल के लिए सोशल मीडिया रिपोर्टर से अहसन उमर को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना भी ना भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।